हेलो एंड वेलकम टू शैला खान शो। बचपन, बचपन की सुनहरी यादें। और जब हम बचपन की बात करते हैं और सुनहरी यादों की याद करते हैं तो सबसे पहले क्या आपके ख्याल में आता है? मेरे ख्याल में तो आता है कार्टून्स। सबके कुछ ना कुछ फेवरेट कार्टून्स होते हैं। और मेरे बचपन की जब शुरुआती, ऑफकोर्स मैं ऐसे इतना पुराना बचपन भी नहीं रहा मेरा, पर मेरे बचपन का जो सबसे पहला जो कार्टून जो मुझे याद आता है वो था ही मैन। उसके बाद जो मेरा फेवरेट रहा वो था डक टेल्स। एवरी डे दे आर आउट देयर मेकिंग डक टेल्स। काफी लोगों का फेवरेट था उस जमाने में, जबकि मैं बात कर रही हूँ 80s की हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, उसके साथ साथ उस टाइम पे एक और क्रेज था, वो था कॉमिक्स। और काफी लोग पढ़ा करते थे अक्सर, और मेरे साथ तो बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं कॉमिक्स की। और उसमें बड़ा काफी सारे फेवरेट कैरेक्टर्स थे। जो एक मेरा फेवरेट था वो था मोटू पतलू। जी हाँ, और मेरे भाई के बीच अक्सर इसमें लड़ाई हुआ करती थी कि कौन पहले पढ़ेगा। और हम लोग क्या करते थे कि पहले हम खरीदते थे, तो ऑफकोर्स इतने पैसे नहीं हो पाते थे, इतना पॉकेट मनी नहीं मिलता था कि हम लोग हर बार खरीद सके। तो हमारे यहाँ कॉलोनी में एक लाइब्रेरी ओपन, जो आई बिलीव जहां तक मुझे याद आता है 50 पैसे या 1 रुपए लेते थे वो लोग, और आपको रेंट पर मिलती थी लाइक फॉर 4 आवर्स। तो जो पहले पढ़ ले, तो मेरे भाई के बीच हमेशा होती थी कि कौन पहले पढ़ेगा, और जो पहले पढ़ लेता था उसको ये रहता था कि भाई इसकी स्टोरी तो ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो हम एक दूसरे को छेड़ा करते थे। तो बहुत सारी सुनहरी यादें जुड़ी हैं कार्टून्स के साथ भी। आप देखें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई गानों की बात करता है, कहीं हर किसी चीज से हमारी मेमोरीज जुड़ी रहती हैं। ऐसे ही मेमोरीज हम रिफ्रेश करने के लिए आज मैं उन्हीं को बुला के लेकर आई हूँ जो आजकल के बच्चों के फेवरेट हैं। जी हाँ, और आपको पता है कोविड के दौरान मैं इंडिया में फंसी हुई थी, और मैंने देखा जिस किसी के अभी मैं जाती थी, ऑफकोर्स जब कर्फ्यू खत्म हो गया था, आई नीड टू मेंशन दैट, जब कर्फ्यू खत्म हो गया था, जी हाँ, तो मैं जब भी किसी के घर जाती थी तो वह सबके बच्चे देखते थे मोटू पतलू, और वो निकलोडियन चैनल पे लाइक नॉन स्टॉप आता है। इट्स सच अ ह्यूज डिमांड। तो मैं लकी मानती हूँ आजकल के बच्चों को कि जिनको 24 आवर्स दे कैन वॉच देयर फेवरेट कार्टून्स। एंड आई वाज सो अगन कि जो मेरे कॉमिक कैरेक्टर्स थे मैं उनको उस पे स्क्रीन पर देख सकती थी। आई हैड एन अमेजिंग टाइम एंड आई वॉच देम एंड आई एम रेगुलरली वॉचिंग इट। तो मुझे लगा कि जब ये मुझे इतने पसंद है और इंडिया में वो इतने फेमस है, इंडिया में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर सो फेमस कैरेक्टर्स, और वो हमें इतना इंजॉय देते हैं, और उनके समोसे वाली बात तो ये आई कहाँ से है। काफी सारे बच्चों के मनों में बहुत सारे सवाल हैं, मेरे भी मन में है, तो मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। जी हाँ, मुझे लगा कि हमें वो जिन्होंने बनाया उनसे बात तो करनी चाहिए कि भाई ऐसा कैसा उन्होंने ये कैरेक्टर जो बनाए हैं मोटू एंड पतलू, नाम भी देखिए मोटू पतलू। और इसीलिए हमने उनसे बात करी और वो राजी भी हो गए हमारे शो में आने के लिए। तो मैं उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। और आपको पता है जर्नली जब मैं इंट्रोडक्शन किसी का देखती हूँ तो मैं याद कर लेती हूँ, बिकॉज इट्स ईजी टू रिमेम्बर, बट उनके बारे में मैं याद ही नहीं कर पाई। उनकी अवार्ड्स की जो लिस्ट है वो 3 पेजेस की है, देन उन्होंने जो शोज करे हैं उनका जो वर्क डिटेल्स है उसके अलग 2 पेज है, और वो 2 पेज की मैं बात करती हूँ A4, और उसमें बहुत छोटी छोटी राइटिंग उन्होंने लाइक माइट बी अराउंड 20-30 मेंशंस ऑन ईच पेज। देन अबाउट हिज इवन ही इज अ डॉक्टरेट टू। सो चलिए मैं शुरू करती हूँ, बट आज मुझे थोड़ी सी, अब बचपन की बात करते हैं तो बचपन में अक्सर सब लोग चीटिंग करते हैं, तो मैं भी आज जरा चीटिंग करूंगी क्योंकि मैं इतना कुछ याद ही नहीं कर पाई। तो मैं फोन के जरिए मैं आपको उनके थोड़ा सा आपके बारे में मैं बताती हूँ। He got his Nickelodeon Kids Choice Award in 2016, 2018, 2019 continuously and by the famous celebrities. Then he has got Iron Man Award by in 2017 by Brown and Harper UK, Aesthetics International Excellence Awards in 2019, Lifetime Achievement Awards as a Film Director at Golden Indian of the Year Awards 2018, King of Comic World at Sith Jaspal Bhatti Awards. Commendable, Rajiv Gandhi Global Excellence Awards,
4th Delhi International Film Festival Award 2016 Best Animation Character Award for Motu and Patlu. ये तो सिर्फ शुरुआत है, मतलब it's just it's the list is not ending. अब मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करती हूँ. उनके लाइव शोज जो उन्होंने काफी सारे किए हैं, जश्न पंजाबी इन 2019 उन्होंने किया है, सदमो भी रात बॉलीवुड इन 2016 इन कोलंबो विद सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी, होली बैश, मेनी मोर मेनी मोर. और इसके साथ साथ जस्ट सेकेंड, ये टेक्नोलॉजी कोर्स इश्यूज हो जाते हैं. उन्होंने जो एनिमेशन आपको मोटू पतलू को फेमस रहा उनका, उसके बाद उन्होंने शेख चिली किया है, वो भी आपको पता होना चाहिए. अब आप इनसे मिल रहे हैं. शेख चिली विच इज करंटली एयरिंग ऑन डिस्कवरी किड्स, इंडिया इज ग्रेट, अकबर बीकबर, ए टू जेड अल्फाबेट्स ऑन डीडी वन, कंप्यूटर एरा एंड द लिस्ट इज गोइंग ऑन. तो मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, डॉक्टर हरविंदर वनकर जी को. नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के शो में. और जब से मैंने आपका डाला है, आई हैव बीन रिसीविंग अ लोड्स ऑफ मैसेजेस. और सबसे पहले जो सबका जो सवाल है वो फर्स्ट मोटिव पत्नी के लिए है कि ये जो आपके दिमाग में जो थॉट आया ये कैसे आया, और तो सब किस एज में और कैसे शुरुआत करी आपने इस कैरेक्टर की जो आज इतना फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं बहुत छोटा था, 12-13 साल की उम्र में बच्चा होता है, जो कोयले से पार्क की जो उस जमाने में पटरी होती है जिसको फुटपाथ बोलते हैं, और उस पे या दीवारों पे आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचता था. मुझे नहीं मालूम था ये आड़ी टेढ़ी रेखाएं एक दिन किसी शेप को लेंगी, किसी सूरत को लेंगी और उसका नाम इतना आज हो जाएगा. तो उस समय मैंने पहला मोटू पतलू, क्योंकि उस समय जहाँ तक अभी शुरुआत में मैं आपको सुन रहा था शैला जी, आपने जो नाम हीमेन का नाम लिया, आर्चीस का नाम लिया, तो ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर विदेशी करेक्टरों की भरमार थी जी. अपना कोई देसी करेक्टर दिखता ही नहीं था. कॉमिक्स वर्ल्ड की अगर हम बात करें, एनिमेशन तो खैर बहुत बाद में शुरू हुआ, तो उस समय ये का सोचा गया कि अपने जो करेक्टर्स हैं जो हमारे आसपास के लगे, जो हमारे बच्चों को अपने चाचा मामा ताया भाई बहन कुछ ऐसे दिखें, तो वो सोच के साथ शुरू किया गया. तो देसी करेक्टर्स में मोटू पतलू का जन्म हुआ, प्राण साहब का चाचा चौधरी का जन्म हुआ, आबिद सुरती जी का बहादुर का जन्म हुआ, मेरे अमर अकबर, भूतनाथ, मोटू पतलू, शेख चिलिस के जन्म हुआ. तो लेकिन वो तब धीरे 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 धीरे, ये पहले हम कॉमिक्स, आज तक कॉमिक्स आ रहे हैं 40 साल में. लोटपोट एक मैगजीन है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी, वो आज भी उसमें ही मैं ही बनाता हूँ और वो छप रहे हैं लगातार. मैं 42 ईयर्स हो गए हैं, 12 साल की उम्र और आज 55-56 का मैं हो गया हूँ, और वो 22,000 से ऊपर कॉमिक्स छपे हैं कम से कम, इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है इसका. तो फिर वो उसके बाद पपेट मोटू पतलू एक, और मैं मोटू पतलू के बारे में अगर आप खास पूछ रहे हैं तो बताऊं कि एक ऐसे करेक्टर हैं, वो ऊपर वाले की इतनी हमारे ऊपर आशीष रही है, हमारे ऊपर उस खुदा की बहुत दया रही है, मेहरबानी रही है, ग्रेस रही है, कि ये कॉमिक में आए हैं, अखबार में आए हैं, 2D एनिमेशन में आए हैं, पपेट में आए हैं, मपेट में आए हैं, 3D एनिमेशन में आजकल चल ही रहे हैं, और लगभग मेरा 7 साल होने वाले हैं निकलोडियन पे भी. तो 7 ईयर कोई करेक्टर नंबर वन का खिताब अगर अवार्ड जीतता है, किड्स चॉइस अवार्ड, तो ये सब इन बच्चों का जो देख रहे हैं, ये आप लोगों की दुआओं का ही नतीजा है. इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मुँह से गरीब करोड़ पड़े. तो ये कृपा सिर्फ हमारे चाहने वालों की होती है, हमारे जानने वालों की. जी प्लीज. बिल्कुल, निकलोडियन पे मैंने देखा है कि वो 24 आवर्स रनिंग है, और किसी भी शो के लिए ऐसा चलना, और बहुबी उसको लोग पसंद करते हैं. मतलब हर मैं इवेंट्स में भी हूँ तो मैंने देखा है कि कितने सारे बच्चों की जो बर्थडे की जो थीम होती है मोटू पतलू थीम होती है, अक्सर बच्चों के बर्थडे केक्स होते हैं, एंड यू नो लाइक वो इतना बच्चों के माइंड पर है. अच्छा, ये जो उसका जी 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 उसका एक रीजन होता है मोटू पतलू पसंद करने का, क्योंकि ये पहले करेक्टर हैं जिसको दादा दादी रिलेट करते हैं कि हमने देखा था, फादर मदर रिलेट करते हैं कि हमने भी देखा था, और ये तीसरी जो किश्त जिसको बोलते हैं आ गई है हिंदुस्तान में अंदर नई जनरेशन, वो भी देख रही है. तो ये इसकी सफलता है, क्योंकि इसमें ना वल्गर कुछ होता है,
कोई झगड़ा नहीं होता, गाली गलौच नहीं होता और मोरल के साथ इसको हम खत्म करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको, इसलिए माँ बाप अलाउ करते हैं देखने का, उन्हें पता है कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच्चे ना देखें, सो ये बस कोशिश करते हैं अच्छा अच्छा कर। अच्छा, इनका जो टैगलाइन है, जिंदगी का आ जाए मजा, जिंदगी का आ जाए मजा जब सामने आ जाए समोसा, किसका क्या समोसे का और मोटू पतलू का क्या कनेक्शन है? नहीं, वो कनेक्शन नहीं है, जो भी जब हम राइटर्स की टीम होती है और सब लोग लिखते हैं और कुछ ना कुछ टैगलाइंस बनती हैं, वो समोसा, क्योंकि हमें सब कुछ देसी करना था, तो हिंदुस्तान की खोज है, समोसा दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान ने ही इजाद किया है, तो वो अपने आप में, और हर कोई, हर किसी ने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में खाया है। और ये जो मोटू समोसा खाता है, इस समोसे के अंदर मोहब्बत की चाशनी मिली हुई, चटनी मिली हुई है, और इसके अंदर मोरल शिक्षा प्रद आलू मिले हुए हैं, इसके अंदर जो इसको तला जाता है वो बच्चों की खूबसूरत मोहब्बत और उसकी दुआओं से तला जाता है, तो ऐसा समोसा तो अल्लाह ताला सबको दे, मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये समोसा खाने के बाद सब में पावर आती। बिल्कुल, और हमारे साथ लोग, काफी लोग बने हुए हैं जो देख रहे हैं, और सिमी कुमारी जी भी कहती हैं कि जी हाँ, उनके टाइम पर भी एक लाइब्रेरी थी जो रेंट पर देती थी, और वो लोग सुपर एक्साइटेड हैं। गुलनाज भी कह रही हैं कि भाई मजा आ रहा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और जी हाँ, मोटू पतलू हम सबके ही फेवरेट हैं, शेख चिल्ली हैं। तो ये आपने 12 साल की उम्र में, मतलब 12 साल तो मुझे लगता है कि मैं तो कहीं बैडमिंटन या कहीं गली में, 12 साल मतलब 8वीं 9वीं, हां 9वीं क्लास होगी, 9th, आई होप सो, 9th और छोटी 7th, आई बी 7th या सहमत नहीं, वो अगर आजकल सहमत हुई है ना, पहले थोड़ा लेट शुरू होता था तो। जी, तो आप मतलब इतनी कम उम्र में आपने इतने फेमस कैरेक्टर्स, मतलब आपके थॉट कहाँ से आए कि आपको ये करना है, मतलब आपको ये ऐसे कैरेक्टर्स बनाने हैं? ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप अवार्ड की बात करते हैं या आप किसी भी सफलता की बात करते हैं, तो कभी अवार्ड के लिए काम नहीं किया जाता, काम करो तो अवार्ड मिलता है। इन दो चीजों में इतना आप करते चले जाइए अपने काम को। मैं करता चला गया क्योंकि उस समय की हमारी अपनी रोजी रोटी की समस्या है, या उसको सोचिए पेट पालने के लिए बनाना शुरू किया है, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो मेरा शौक था। और जब आपका जो शौक होता है, जो आपका पैशन होता है, वो प्रोफेशन बन जाए, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती। ये मैं खुशकिस्मत हूँ। और सबसे बड़ी बात शैला जी की, आप मुस्कुराहट बांटते हैं, दुनिया में सबसे बेशकीमती रत्न है ये मुस्कुराहट। जो लोग मुस्कुराहट देते हैं ना, वो उससे बड़ा नेक काम मेरे लिए कुछ नहीं होता, कि इसी बहाने मेरे को उन लोगों की दुआएं मिलती हैं जिन्हें मैं जानता नहीं, हिंदुस्तान क्या संसार के हर कोने में जाते हैं। तो खुशी बांटिए, मैं तो कहता हूँ, और मोहब्बत कीजिए, अपने काम से इश्क कीजिए। जो लोग अपने काम से इश्क करते हैं वही कामयाब होते हैं, वो चाहे मोटू पतलू हो, चाहे शेख चिल्ली हो, चाहे फिल्म हो, चाहे टीवी जगत हो, चाहे आपका ये इंटरव्यू, क्योंकि आप अपने काम को दिल से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इश्क की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना, तो इतना आसान नहीं है जी। मैं ये भी आपको इसको बता दूं कि हरविंदर जी इतने बड़े क्रिएटर ही नहीं, साथ के साथ ये एक शायर भी हैं, और बीच-बीच में हमें कहीं ना कहीं अपने कपलेट सुनाते जा रहे हैं, तो मजेदार हो रहा है। और एन कॉइन जी कह रही है, हमारे साथ जो बनी हुई है, वो कह रही है कि समोसे तो भाई हमेशा अच्छे लगते हैं, और इंडिया के समोसों की तो बात ही कुछ और है। जी बिल्कुल बिल्कुल, समोसे किसको पसंद नहीं है। और आदिल रशीद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा मेरी गुफ्तगू को पसंद करते हैं, तो बहुत शुक्रिया, और हमारा शो बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। और जी, तो अब बढ़ते हैं हम अपने राउंड की तरफ, जिसका नाम है डिस्कवर योरसेल्फ। तो अभी देखिए, थोड़ा सा मोटू पतलू से हटा के हम आपकी पर्सनालिटी के बारे में हम अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं। इसमें मैं आपको कुछ एडजेक्टिव दूंगी और आपको अपने आप को रेट करना है फ्रॉम 1 to 10, जो आपको ठीक लगे, जैसे कि रोमांटिक। कितने में से नंबर देने हैं? 1 to 10 में से आपको देने हैं कि आप अपने आप को कितना रोमांटिक मानते हैं। यू नो, हमारी फीमेल फीमेल फैंस देख रही हैं आपको। 10/20। क्या बात है, 100 देने चाहिए आपको।
क्योंकि जिस तरीके से आप जो आप अपने जो कपलेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और मैंने आपके फेसबुक पेज पे भी देखे हैं कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, तो मुझे लगता है रोमांस कूट कूट के आपके अंदर भरा हुआ है। अच्छा, बहुत जरूरी है जिन, हाँ जी जी सॉरी सॉरी प्लीज, नहीं सॉरी प्लीज आप बोलिए जी। मैंने कहा रोमांस बहुत जरूरी है, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अपनी नेचर से रोमांस करना चाहिए, अपने परिवार से रोमांस करना चाहिए, अपने काम से रोमांस करना चाहिए। एक पंजाबी अगर कोई सुन रहा है तो उनको इश्क जबीबा पैना वे, दिल दो पासे नहीं रहना वे, या दुनिया दे या दिल भर दे, गल एक दे लगना पैना वे, अगर है मंजूर तो कर सौदा, पर सौदा महंगा पैना वे, तू अपना रुतबा तकना वे उन्हें शरे बाजार च कहना। ये इश्क रोमांस, ये आपको एनर्जी, ये सबसे बढ़िया दवाई है, आपकी मेडिसिन है, क्योंकि इसके अंदर लेकिन खूबसूरती होनी चाहिए, रूहानी होना चाहिए, जिस्मानी नहीं, रूहानी होना चाहिए। जी जी, कितनी अच्छी अच्छी बात आप ऐसे ही कह जाते हैं, और हमारे जो ऑडियंस जो बनी हुई है वो कह रहे हैं कि भाई आदिल रशीद जी कह रहे हैं कि भाई खाली पेट तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता है, तो मुझे लग रहा है सबका ध्यान ऐसा समोसों की तरफ आज चला गया, किसी का भी नहीं, इनको बोलिए खाली पेट, इनका क्या दुनिया में किसी का दिमाग नहीं चलता, और मैं भी सोच रहा हूँ बहरीन से अगर आप कुछ मुझे भेजें, कुछ भूख लग रही है तो मैं भी खा ही लूँ। मैं जरूर जी, बिल्कुल बिल्कुल आप बता दीजिए, और कहेंगे कि भाई रोमांस भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, रोमांस बहुत जरूरी है, बट मैं हमेशा सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप रोमांस करते हैं तो वो रोमांस आप सबसे पहले अपने आप से करिए। और हमारे साथ बच्चे बने हुए हैं, बट सुनीता जी जो हमारी क्रिएटिव टीम है, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए, मैं थोड़ा सा वन टू वन और बात करना चाहती हूँ रविंद्र जी को, पर्सनालिटी के बारे में लोगों तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं जो मेरे शो का काम है, फिर उसके बाद हम बच्चों के साथ जुड़ेंगे जरूर, और हम टाइम भी देंगे बच्चों को आराम से बात करने का। तो अरविंद जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इमोशनल, कितने इमोशनल है आप, लाइक बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक आपके अंदर इमोशन ही नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। जो इंसान दूसरे के दुख पे अगर उसकी आंख में नम नहीं होती तो वो तो फिर इंसान नहीं, पत्थर ही होता है। और सोचिए अगर आप अपने पड़ोसी के रोने पे द्रवित नहीं होते या दुखी नहीं होते, तो सोचिए कल जब आप रोएंगे तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आप लेजी है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, 100 मैं बिल्कुल चुस्त हूँ, मैं आज भी सुबह 3 बजे उठता हूँ डेली इतने वर्षों से, और रात 9 बजे 10 बजे शूटिंग नहीं होती तो 10 बजे सो जाता हूँ, शूटिंग है तो चुला, वरना मैं सुबह 3 बजे उठ के लिखता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ या जो भी मुझे करना है, और अपना स्क्रिप्ट सब उस समय, क्योंकि उसका एक वजह है शैला, क्योंकि 3-4 बजे के करीब कोई बेल नहीं बजाता, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं होती, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और वो उसको ना केवल आपके काम को बल्कि उस परपिता परमात्मा, उस ईश्वर, उस खुदा को मिलने का भी सबसे बेहतरीन वक्त होता है, जब वो आपकी सुनता है, जब वो आपके पास होता है, जब वो ये कहता है कि सोना नहीं है उठो, क्योंकि हम इस जो शरीर में आए हैं, जो इंसान के रूप में आए हैं, ये सोने के लिए बना ही नहीं है, ये अपने कर्मास के हिसाब से अपना काम करिए, अपने फर्ज निभाइए और चुस्त रहिए, हमेशा 24 घंटे दौड़ते रहिए। जी क्या बात है, ये तो मतलब आपने बहुत अच्छी फिलॉसफी बताई कि यस सुबह उठना, और कहते हैं कि पक्षियों के साथ उठे तो और ज्यादा आप चुस्ती फुर्ती आपकी रहती है, और आप तो मुझे लग रहा है उनके उठने से भी पहले आप उठ जाते हैं, तभी मैं कहती हूँ कि मैंने पहली बार मैं सच में मैंने शुरू में भी जैसे बोला, मैं जर्नली याद कर लेती हूँ लोगों का इंट्रोडक्शन, बट ऑनेस्टली मैं आपके बारे में, मुझे लगा कि मैं, और अभी भी मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आपके बारे में इतनी सारे इतने अवार्ड्स हैं आपके, बट यस आई विल डू शेयर इट ऑन माय फेसबुक पेज। तो चलिए नेक्स्ट जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सेंसिटिव, क्या आपको इफेक्ट होता है, जैसे कि सोशल मीडिया है तो कोई आपको कहीं कुछ क्रिटिक ऐसा कुछ बोल देता है, तो कहीं आप सेंसिटिव हैं, कहीं आपको बात इफेक्ट करती है? शुरू में सबको करती है, पर धीरे धीरे आप समझ जाते हैं, क्योंकि अगर आपको अपने दिल का आईना साफ करना है तो कोई लोग तो चाहिए जो उसके ऊपर कपड़ा मारे या उसको पोंछे, ये क्रिटिक्स वो होते हैं। अगर हम हमारे लिए सबसे अच्छे, हाँ अगर कोई पॉजिटिवनेस के चलते या जेलसी के चलते कुछ गलत लिखता है तो ऐसे लोग मैं रखता ही नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सुंदर और खूबसूरत लोग हैं जो खुद सेंसेबल है, और हर एक को, जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं या हैं, 99% को मैं फ़ोन से पहले बात करता हूँ तो जोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे वो भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मुझे बहुत खूबसूरत हीरे मोती इकट्ठे करने हैं, शैला जैसे और बाकी जो लोग हैं ऐसे, जो हमारे नगीने हैं,
जिनके साथ मैं रात के 2 बजे भी बात करूं तो मुझे लगे मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं या अपनी बेटी से बात कर रहा हूं या अपने परिवार से बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं और सभी वो फिल्म हस्तियां ज्यादा जुड़ी हैं, 99% आपने अगर चेक किया है तो वो सब सेंसेबल हैं। बाकी थोड़ा सेंसिटिव तो होता ही इंसान, ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता, बट वही कहते हैं ना, इधर से सुनो उधर से निकाल दो अगर वो आपके, लेकिन सबका अच्छा अच्छा ले लो, जो भी आपको कुछ कहता है सीखने की कोशिश करो, सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। जी जी, और आपको पता है कि आदिल रशीद जी हैं, वो भी एक बहुत फेमस शायर हैं और वो कह रहे हैं कि मोटू पतलू आज भी मेरे फेवरेट हैं। तो देखिए, और आप जो बातें कर रहे हैं लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि आपकी बातें उनको बहुत पसंद आ रही हैं, आप जो भी आप और आपके सुबह उठने की आदत को तो वो लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। और एन तोही जी भी कह रही हैं कि यस ये यू गेट मैच्योर्ड एज यू एज। एंड तृप्ति जी भी कह रही हैं, शी इज वो यहाँ पे एक इंडियन लेडीज एसोसिएशन है उसकी सेक्रेटरी है बारे में, वो देख रही है हमारा शो, वो कह रही है कि मोटू पतलू उनके जो बेटा है वो उनका फेवरेट कार्टून है। तो चलिए ये बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इसके साथ अब आप मुझे ये बताइए, हमारा बहुत ये आपने जो अपने बारे में कुछ चीजें बताई कि यस आप सेंसिटिव भी हैं, इमोशनल हैं और रोमांटिक तो बहुत हैं आप। और तो नेक्स्ट जो सवाल जो मेरा है वो ये है कि इतने सारे अवार्ड, इतना सारा काम, आपकी आपको रणवीर सिंह से आप मिले हुए हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, हर किसी से आपको अवार्ड मिले हुए हैं, फिर भी इतनी हम्बलनेस। मैं एक इंसिडेंट जो मेरा आपके साथ रहा मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा मुझे लगा कि हमें एक कनेक्शन करना चाहिए, तो एक डाउट था कि जनरली लोग बात नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि आपने शायद विद इन 5 मिनट्स के अंदर जब मैंने आपको टेक्स्ट किया बात में और आपने मुझे बोला आप मुझे कभी भी कॉल कर लीजिए, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका करती हूँ। और ये मैं सबको जो भी मेरे ऑडियंस देख रहे हैं मैं बताना चाहती हूँ कि इतना फेमस होने के बाद, इतने अवार्ड्स, अनगिनत अवार्ड्स लेने के बाद भी जो मेरे सामने बैठे हैं शख्स इतने हम्बल हैं कि मतलब कोई उनके अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड मुझे नहीं रहा। उन्होंने मुझसे कभी बात करी और उन्होंने लाइक विद इन 5 मिनट्स के अंदर जैसे हमारी बात हुई ही एग्रीड टू कम इनटू माय शो। तो ये हम्बलनेस आपकी इसके पीछे क्या है यार, क्योंकि लोग अक्सर जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर वो एक एटीट्यूड और रूडनेस आ जाती है, आपने ये कैसे बनाए रखा ये हम्बलनेस? नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं तो मैं आपको कि जो मुर्शिद होता है, जो सदगुरु होता है, वो उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। आप हम कुछ भी नहीं है, वो क्रिएटर है, हम क्रिएशंस हैं। तो जब क्रिएशन घमंड किस बात का करे, जब हम खुद है ही हस्ती ही हमारी कुछ नहीं है, हमारा वजूद ही कुछ नहीं है। हम पैदा अपनी मर्जी से नहीं हो सकते, मर अपनी मर्जी से नहीं सकते, जो कुछ होता है वो उस ऊपर बैठे उस अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, उस खुदा की मर्जी से होता है, उस वाहेगुरु। जब हम कठपुतलियां हैं, जब हम बस में ही कुछ नहीं है, तो अकड़ किस बात की करनी है हमको? और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप जमीन पे रहते हैं ना, तो अगर गिरते हैं तो कुछ ना कुछ पेड़ या कोई पत्थर आपको हाथ टिकाने को, दीवार मिल जाती है, बच सकते हो। लेकिन जब आप आसमान पे उड़ते हैं तो फिर आपकी अस्थियां ही फैलती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं फैलता। जमीन पे रहो, जैसे हो वैसे रहो। मैंने अपने बाल में चाहूं तो मैं अभी 50 रुपए खर्चूं तो मैं आधी उम्र का काला, नीला, पीला, हरे, गुलाबी रंग करूं, लेकिन नहीं, मेरा ये कसूल है आप जैसे हो आप वैसे दिखो। लोग आपके काम से प्यार करते हैं, लोग आपकी काबिलियत से प्यार करते हैं। और अपने मुर्शिद का कहना मानो, अपने मास्टर्स, जिसको भी आप पूछते हो, जिसको भी आप मानते हो, आप उनकी बात सुनो, क्योंकि सही रास्ते पे चलो। आप कुरान जी कुरान पवित्र कुरान को मानते हो, रामायण को मानते हो, आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो, उनको मानना अलग बात है। आप गुरु ग्रंथ साहब की मानिए, पवित्र कुरान की मानिए, रामायण की मानिए, तो देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी इतनी बड़ी है नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत छोटी है। इस जिंदगी के अंदर आप सोचिए, अगर आज मैं 50-55 का हूं तो इसमें से 25 साल तो मैंने सो के ही गुजार दिए रात और दिन में। हमारे पास वक्त होता कितना है? 50% हम सो के गुजार देते हैं, 10% हम खा पी के गुजार देते हैं, कुछ खेल के, कुछ अपना। असल मुद्दा कहाँ है? हम जिस काम के लिए आए हैं, इस दुनिया में हमें भेजा गया है, तो अपने काम को करिए, विनम्र रहिए, झुके रहिए, क्योंकि आप झुकेंगे तो शायद आप बच्चे भी आपकी छाया के नीचे आ जाएंगे। अकड़ा पेड़ तो खजूर का भी होता है, उसकी ना छाया होती है ना कोई फायदा, क्या फायदा उस चीज। सो ये मैं ये सोचता हूँ, जैसा हूँ
वैसा ही रहूं तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, और ये देखिए कितने सारे बच्चे बने हुए हैं। जानवी कह रही हैं कि शी रियली एंजॉय वॉचिंग योर शो एंड शी इज गेटिंग सो इंस्पायर्ड। और इवन हर्षिता कह रही हैं कि शी लव्स मोटू पतलू, और उनके पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज भी हैं मोटू पतलू के। एंड तौहीद जी बनी हुई है, वो कह रही है कि वेरी नाइस वर्ड्स अबाउट द क्रिएटर्स एंड हिज क्रिएशंस एंड वेरी वेरी एप्टली सेड सर। विनीत पंडित जी बने हुए हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि ग्रेट मैसेज गुलनाज, शी थिंक दैट यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी। और आदिल रशीद जी कह रहे हैं कि जी हाँ बहुत सही आपने बोला है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। तो रैपिड फायर के लिए तैयार हैं आप हरविंदर जी? हाँ, एनी टाइम। मैंने अपनी गन में गोलियां भर ली हैं, डोंट वरी। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी एक क्वालिटी अगर किसी को देना चाहते हैं आगे जाके, तो वो आप कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको लगता है कि आगे वाली जनरेशन को आप पास ऑन करना चाहते हैं? मेहनत। मेहनत करो, हमेशा मेहनत करो, जम के मेहनत करो, क्योंकि आपका हार्ड वर्क ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इस जिंदगी को जीने का और मंजिल को पाने का लॉन्ग रूट है, शॉर्टकट है ही नहीं। जो लोग शॉर्टकट से पहुंचते हैं वो ठहरते भी शॉर्ट उतना ही है, छोटा सा ही। लेकिन जो तसल्ली से आराम से हर मुश्किल का अपना सामना करते हुए पहुंचते हैं वही लोग एंड तक टिकते हैं। मंजिल पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, टिकना बहुत मुश्किल। तो मेहनत कीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। अच्छा, ये अगर आपके बारे में कोई बायोग्राफी लिखते हैं, जैसे अगर आप ही लिखते हैं अपनी बायोग्राफी, तो आप उसको क्या टाइटल देंगे? जी अभी मुझे पता नहीं, आप लिखिए तो कुछ अच्छा सा टाइटल बना लीजिए। क्रिएटर, इजंट इट? आपने इतना सब कुछ क्रिएट किया है, क्रिएटिंग, यू नो, वो करवाने वाला ऊपर बैठा है, वो शक्ति में अच्छा करो वही करवाता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र, मेरे को जो उसने फर्श बख्शा है मैं वो निभा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज जो आपके पास है और जो जो और आजकल तो इतने सारे डिजिटल क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बट उनके पास नहीं है, और जो आपके पास है वो कौन सी ऐसी चीज है? मेरे पास जो है क्या चीजें? मैं थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझा, सॉरी। मतलब कुछ भी जैसे ऐसी लाइक क्रिएटिविटी है या मतलब और लोगों के पास नहीं है वो आपके पास है, लाइक आपकी सोच या कुछ भी ऐसी चीज जो आपके पास है और उन लोगों के पास। मेरी मुस्कुराहट। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा रोमांस की बातें करते हैं। आपने कहा ना कि आप बड़े रोमांटिक है, तो ये बताइए कि व्हाट इज योर आइडिया, आप मतलब परफेक्ट डेट आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट डेट वो होनी चाहिए जिसमें आप जिसके साथ डेट पे हैं या जिसके साथ भी आप एंजॉय कर रहे हैं उसका रिस्पेक्ट करते हुए, उसको रूहानी खुशी देते हुए इतना मुस्कुराने का मौका दें कि वो अपने हर दर्द हर आंसू, अगर आप उस जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं उसके आंसू अपनी ओख पे लेने के काबिल नहीं है तो आपको फिर मोहब्बत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत में दिया जाता है, लिया कुछ नहीं जाता। देना सीखना चाहिए, हाथ हमेशा यूं रहना चाहिए देने के लिए। कोई लेना तो मजबूरी होती है, लोग लेते हैं, लेकिन जो देने वाला होता है उसको वो काफियत बख्शता है, वो ताकत बख्शता है वो ऊपर वाला। तो मोहब्बत एक बहुत हसीन ख्वाब है, इसको इतनी नाजुकता से अपने जो महबूब है आपका, तो इसको एक शेर सुना देता हूं कि हर शख्स का जीना अजीब होता है, हर शख्स का जीना अजीब होता है, जिंदगी और मौत का रिश्ता करीब होता है। किसको मिलता है मोहब्बत में महबूब है मेरे दोस्त, दुनिया में वो शख्स सबसे खुश नसीब होता है। यार की गली में कोई ना कोई शख्स अक्सर मिलता है जो बदतमीज होता है, और यार की गली से जब भी गुजरो बाखबर गुजरो, क्योंकि यार की गली का कुत्ता भी चीज होता है। और इश्क मोहब्बत में किसी को ना मारो ताने, क्योंकि हर आशिक दिल का मरीज होता है। क्या बात है, आप इतने फ्लो में ऐसे ही बोल जाते हैं, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा चलिए, अगर आप किसी लिफ्ट में स्टक हो जाते हैं मोटू पतलू या शेख चिल्ली के साथ, तो आप ज्यादा बातें किसके साथ करेंगे, शेख चिल्ली या मोटू पतलू? नहीं, मैं जो लिफ्ट को ठीक करने वाला है उससे कोशिश करूंगा कि भाई तू खोल दे। क्योंकि मोटू पतलू से तो अक्सर बातें होती है, उस समय उसकी ज्यादा जरूरत है जो लिफ्ट को ठीक करने। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर आपको एक सवाल अगर पूछना पड़े, जैसे कि
अगर जस्ट हाइपोथेटिकली वे में अगर हम बात करें कि मोटू पतलू से अगर आपको कोई सवाल कर रहा है, तो आप क्या सवाल करेंगे उनसे? मैं उनसे यही सवाल करूंगा, भाई जैसे हो वैसे ही बने रहो, अच्छी कमाई दे रहे हो, अच्छे मशहूर हो, दैट्स गुड। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो, ये जवाब तो मैं बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा, अगर घर में कोई नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? मतलब आपको लगा कि मतलब कोई है नहीं घर में, तो जैसे अक्सर लोग डांस करते हैं, लोग गाना गाते हैं, तो कोई बुक कई बार तो फोन पे बातें ज्यादा हो जाती है, दोस्तों के फोन होते हैं, आप जैसे अच्छे दोस्त से टाइम पास हो जाता है अगर आपके पास वक्त होता है। नहीं तो मैं नॉर्मली कुछ गुनगुना लेता हूँ, बेसुरा हूँ, पर मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल ही लेता हूँ। अच्छा, मुझे मतलब इतना इतना टैलेंट जो है, आपने बचपन में कुछ अलग सा कुछ खाया आपका मतलब कुछ मम्मा ने कुछ अलग खिला आपको? ना, मुझे अक्सर सभी कहते हैं, मुझे पता नहीं, अगर वो चीज मिल जाए तो मैं कोशिश करूँ उसका कॉपीराइट करवा के मैं वो बेचा करूँ, सभी ऐसे ही हो जाए तो मजा आ जाए। मुझे बिल्कुल लगता है आपको बहुत सख्त जरूरत है वो हम सबको शेयर करने की, कि आज हमारे साथ इतने सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, विभा जी हैं, तृप्ति हैं और सिमी जी हैं, आज मतलब बे इंतहा लोग आज हमारे साथ बने हुए, आप देख सकते हैं कि हमें कमेंट्स पे कमेंट्स आए जा रहे हैं। पेरेंट्स को एक ही बात कहता हूँ, अपने बच्चों को समझो, बच्चों पे थोपो नहीं अपनी सोच कि आप हीरोइन नहीं बन पाए तो जबरदस्ती अपनी बच्ची को उस लाइन में ले आते हैं, आप एक्टर नहीं बन पाए या आप इंजीनियर, ऐसा नहीं है। बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, बहुत अपनी वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो जमाना चला गया जब आप उसको तू तड़क करके बात करते थे, तो बच्चों को समझो और उनका अच्छा बुरा भी बताओ, लेकिन जो उनको बता रहे हो पहले खुद पे अमल पे लाओ। अगर आप खुद टीवी 24 घंटे देखते हो और बच्चे को बोलते हो कि टीवी मत देखो तो असर कहाँ से होगा? आप खुद शराब पीते हो तो बच्चे को मना नहीं कर सकते, आप खुद सिगरेट पीते हो तो बच्चे को मना नहीं कर सकते, आप जो चीज पहले खुद कर सकते हो वही बच्चे को समझाओ तो असर होगा, वरना बच्चा वापस में काउंटर क्वेश्चन मारेगा जिसका जवाब आप दे नहीं पाओ। नहीं नहीं बिल्कुल, ये बात आप इतनी बड़ी बड़ी बात आप इतने प्यार से कह जाते हैं, और मुझे लगा हमारा रैपिड फायर राउंड बहुत अच्छा रहा, और मैं सब ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि प्लीज हमें बताइए कि हम क्या रेटिंग देंगे, जीते हैं कि नहीं जीते हैं हमारे अरविंदर जी, तो प्लीज जो भी ऑडियंस हमारे साथ बने हुए हैं तो वो हमें बताएंगे। अच्छा, ये एक सवाल है कि मुझे ये पूछना है आपसे, जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उनके क्या थॉट्स रहे? जैसे अभी आपने बोला कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर थोपो नहीं, तो क्या थॉट्स आया आपके पेरेंट्स के ऊपर कि क्या बात करेंगे? जी मैं एग्जांपल हूं ना, अगर उन्होंने थोपा या रोका होता तो आज हरविंदर वांकड़ यहां होता ही नहीं आपके सामने। बिल्कुल नहीं, नहीं सिंपल बिल्कुल। और आपको पता है कि सवाल जो है, अब इसी के साथ आप लोग सवाल का मैं चाहती हूं कि क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो रुक ही नहीं पा रहे हैं हमारे साथ। तो अच्छा, सिमी जी ने बोला 1000 रेटिंग्स जी, वो तो मतलब अरे वाह वाह, ये सिमी जी का क्लोज अप दिखाया जाए, बहुत अच्छा रेटिंग। चलिए बच्चों से पहले, अरे इतने बच्चे कि मैं आपको ये तो मतलब मैंने काफी कुछ कम लिए हैं और अलग अलग देशों से जुड़े हुए, बट बच्चों से पहले आपको पता है मेरे पास कुछ पेरेंट्स के भी सवाल है, तो बच्चों का क्योंकि आप बुलाएंगे तो लंबा चलेगा, बट बच्चों से पहले एक है हमारे यहाँ कपिल जी है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, प्लीज आपको म्यूट करना पड़ेगा अपना माइक, और मैं जब नाम लूंगी तब आप अपने आपको अनम्यूट करिएगा। थैंक यू। ओके, तो जो एक सवाल है, तो हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है, सीए कपिल जी, मैं उनको भैया के नाम से संबोधित करती हूँ, तो उनका जो सवाल है, और उन जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने मुझे जल्दी से ये सवाल भेजा कि भाई मेरा ये उनसे ये मुझे इसका जवाब चाहिए डॉक्टर हरविंदर जी से, तो मैं उनका सवाल बताती हूँ। व्हाट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट जब जो कैरेक्टर्स मोटू पतलू घसीटे जो भी जो कैरेक्टर्स रहे थे, तो माइंड में ट्रिगर क्या हुआ कि मतलब इसको जो नाम देना है, मोटू पतलू देना है, इसको घसीटा देना है, समोसा देना है, वो क्या था वो एक ट्रिगर पॉइंट 12 साल की उम्र में? नहीं, वो क्या होता है, देखिए जब आप कोई भी चीज इजाद करते हैं तो आप उसको उसकी इमेज बनाते हैं। नॉर्मली हम कैची वर्ड्स को कैच करते हैं, क्योंकि मोटू और पतलू कोई असल में नाम तो नहीं है, मोटू पतलू असल में फिगर्स हैं जी, बट वो इतने कैची हैं
कि आप इसको उसको हम राम प्रसाद बिस्मे या राम प्रसाद या श्याम लाल ऐसे नाम देते तो शायद इतने हिट नहीं होते, लेकिन आप सीधे कैप्चर जो कैची जबान पे चढ़ जाते हैं। और घसीटा का तो काम ही 20 साल का तजुर्बा था, वो घसीटता ही रहता है बेचारा तो वो चीजें, इसलिए वो जो जो नाम रखे जाते हैं असल में आज हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि आज ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं तो हमारा दिमाग में इतना कुछ नहीं होता, तब हम जस्ट एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उसका स्टोरी बोर्ड तैयार करते हैं। जब ये तो बात भी आज से 40 साल पहले की है, तो उस समय तो ये ख्वाब में भी नहीं था कि कभी कल इंटरनेट आएगा या टीवी आएगा कुछ ऐसा आएगा, तब तो दूरदर्शन भी नहीं था इतना पॉपुलर, सीधी सी बात है बहुत वही होता था कि निकल होता। तो वो वक्त के साथ हर टेक्नोलॉजी बदलती है, हर चीज बदलती है, सोच बदलती है। पहले गाने दूसरे चलते थे, फिर गानों में चेंजेस हो गए, फिर रिमिक्स आ गए, फिर दोबारा मेलोडी आ गई, तो ये वक्त है, तो वो बस होता चला जाता है। जिसको उसने कशिश बख्शनी हो ना उस ऊपर बैठे उस ईश्वर ने, वो उसको चमका ही देता है, वो फिर उसको चाहे आप ध्रुव तारा बोलो या उसको सूरज बोलो चांद बोलो, तो वो तो फिर बस वे उसकी उसकी सिर्फ एक हाथ आपके सर पे होना चाहिए। जी आई बिलीव ये आपकी हम्बलनेस है, और मुझे लगता है बच्चों नहीं नहीं सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, काफी बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे दिख रहे हैं मेरे को स्माइल करते हुए, वो लड़की देखो क्या खुश हो रही है चश्मे वाली है बीच में जो बैठी। हाँ जी वाह वाह। तो मैं एक एक बच्चे का नाम लेके बट उनसे पहले मैं आपके कुछ वीडियोस भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो वीडियो है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ नयन की एंड निवेद्या की, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वीडियो शेयर करी थी जो आज मैंने अपने फेसबुक पे भी करी है। तो पहले हम वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम सवाल पूछेंगे, वो सवाल हम पूछेंगे निवेद्या से क्योंकि वो सबसे छोटे हैं हमारे आज के शो में, तो हम शुरुआत उनसे करेंगे। तो पहले हम उनकी वीडियो देखते हैं जो उन्होंने स्पेशली आज आपके लिए तैयार करी है। आई थिंक कपल ऑफ एक सेकेंड, मेरी क्रिएटिव टीम प्लीज आप शेयर करिएगा, इट टेक्स कपल ऑफ सेकेंड्स, तो मेरी जो टीम है वो शेयर करेगी अभी प्लेटफॉर्म पे। और बच्चे जो है मुझे लग रहा है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपका, और एक मिनट बस चलो बच्चों को ही ले लेते हैं कोई बात नहीं, क्रिएटिव टीम वो एक एक्चुअली ये लाइव बहरीन से होता है और वहां से आपको पता है कुछ टेक्निकल हो जाता है। तो माय क्रिएटिव टीम प्लीज इफ यू कैन शेयर माय स्क्रीन और मैं वीडियो, तो चलिए हम एक काम करते हैं, इतने वो शेयर करते हैं इतने हम निवेद्या को बोलते हैं कि निवेद्या प्लीज आप नयन जिनका जिन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, तो नयन आप प्लीज अनम्यूट करिए अपना लैपटॉप। हाय नयन, हाय निवेद्या, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून निवेद्या, नयन कैसे हो बच्चों? वी आर फाइन। फाइन। खाना खा लिया? यस। क्या खाया? समोसे तो नहीं खाए होंगे कम से कम, मुझे पता है इसने छुटके वाले ने तो नहीं खाए ना, तो फिर वो क्या नकली समोसा रखा था वीडियो में? अच्छा देखिए उनको याद है आपकी वीडियो, आपकी याद है उनको वीडियो। तो चलिए निवेद्या इट्स योर टर्न टू आस्क अ क्वेश्चन, आप सबसे पहले हैं जो आप डॉक्टर हरविंदर जी से अपना सवाल पूछेंगे, तो पूछिए। पूछो बेटा। मोटू के समोसे हवा में कैसे उड़ते हैं? हवा में क्यों उड़ते हैं बेटे? वो क्या होता है कि उसके समोसे के अंदर ना हेलीकॉप्टर का इंजन लगा रहा हुआ है हम लोगों ने, तो वो चौकर की तरह उड़ के सीधा मुंह में जाते हैं, टाइम नहीं होता ना मोटू के पास, वो भी बहुत सारे काम करने होते हैं। जी चलिए वेरी गुड नैन, अब आपको म्यूट करना पड़ेगा अपना कैमरा क्योंकि जो नेक्स्ट जो है वो है चीकू जी। चीकू जी है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि निवेद्या जी जो थे वो हमारे साथ ओमान से जुड़े हुए हैं और उनकी बड़ी बहन भी हमारे साथ है नयन, बट हम नयन की तरफ बाद में आएंगे, अभी हम बढ़ते हैं चीकू की तरफ जिनका नाम है यक्ष दियोरा, मैं श्री उनको प्यार से हम लोग सब उनको चीकू बोलते हैं। तो चीकू हमारे हाय यक्ष, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम फाइन। कैसे हाउ चीकू? बहुत बढ़िया, आपका नाम बहुत अच्छा है, एक करेक्टर आता था खरगोश उसका नाम भी चीकू था, चंपक एक मैगजीन में छपता था वो। जी तो और चीकू ने एक्चुअली, बस मैं स्क्रीन शेयर करने का वेट कर रही हूँ, सबने बहुत ही अमेजिंग वीडियोस भेजी हैं,
आई बिलीव आई डोंट नो कुछ टाइम लग रहा है बट चीकू यस हम वीडियो हम चला देंगे आखिर में चला देंगे आप अपना सवाल पूछिए अपने और आपको पता है चीकू का बर्थडे मुझे सॉरी चीकू एक सेकंड मुझे दो मैं क्या है चीकू का चीकू का बर्थडे जो है उन्होंने मोटू पतलू की थीम में ही उन्होंने सेलिब्रेट किया था मैं आपके साथ शेयर जरूर शेयर करूंगा बिग फैन याद है आपको चीकू मेरे को तो बुला चीकू जी आपने मुझे तो बुलाया नहीं आपने अभी आ जाऊं ठीक है आप भैया बट टिकट भेजो कहाँ आना है एड्रेस भेजो मैं तो पक्का आऊंगा पक्का अगले बर्थडे पे मुझे जरूर बुलाना हम इकट्ठे बनाएंगे वहाँ पे और आपको लेके एक फिल्म भी बनाऊंगा मैं छोटी सी और अरे वाह यस ही इज ही इज अ वंडरफुल एक्टर ही इज वो सिर्फ 5 साल के हैं और बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं गानों पे डांस करते हैं एक्सप्रेशंस इनके बहुत और यूजली ही ऑलवेज मतलब उनको हमेशा अवार्ड भी मिलता है अपनी एक्टिंग के लिए तो चलिए शैला जी जो हम शॉर्ट फिल्म की बात कर रहे थे इसके लिए एक एक्टर आपको मिल गया पकड़ लीजिए जी बिल्कुल बिल्कुल तो चीकू अपना बताइए अपना क्वेश्चन पूछिए आप चिंगम के गन से हमेशा नारियल क्यों निकलते गोले क्यों नहीं निकलता और नारियल सस्ता होता नारियल सस्ता पड़ता है हमको बजट कम होता है ना हमारे पास नहीं तो हम उसमें से फिर चीकू निकालें अमरूद निकालें या वो ड्रैगन फ्रूट निकालें क्या चॉकलेट भी तो सस्ता हो सकता है चॉकलेट हाँ बेटे वो चॉकलेट निकलता था पहले हमने चॉकलेट निकाला था तो वो सारे खा जाते थे वो मोटू पतलू फिर हमने सोचा नारियल निकालो कोई खा ही नहीं पाएगा ना तो रीच हो तो गोली आपने गोली क्यों नहीं ली गोली तो कोई नहीं खा लेता नहीं गोली इसलिए गोली इसलिए नहीं ली क्योंकि गोली चलाना अच्छी बात नहीं होती है तो हम टीवी पे अच्छी चीजें दिखाते हैं हम गोली मार दो किसी को डंडा मारना बुरी बात होती है ना तो हम हिंसा में विश्वास नहीं करते गांधी के देश में से वो नारियल तो सर पे लग सकता है और चिंगम जब ऊपर अपनी गन रखता है और नारियल फेंक देता है उसके ही सर पे रखता है उसके सर पे हाँ वो इसीलिए ना उसको ये हम उसको मोरल देते हैं कि भैया अगर तुम ऐसे काम करोगे तो देखो तुम्हें खुद को ही चोट लगेगी जो जैसा काम करता है उसी को सजा मिलती है इसलिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए गोली नहीं चलानी चाहिए पर गुड है लेकिन बार बार और चिंगम और चिंगम का एक और अभी चौथा मैंने पर मुझे चिंगम पसंद था पहले एक बार मैंने चिंगम देखा तो चिंगम अच्छा था लेकिन जब चिंगम का एक एपिसोड है एक एपिसोड था कि वो एक अच्छा था और वो अच्छा था लेकिन उसके उसके गन से नारियल तो निकलते ही थे लेकिन अलग तरीके से उसके सर पे लगती नहीं थी थैंक यू चीकू सभी अच्छा होता है बेटा क्या होता है चीकू में चीकू सही बताऊं ये असल में जब हम कहानी बनाते हैं ना तो ये एनिमेशन है हम उसमें ऐसे ऐसे एक्शन वो लोग डालते हैं हमारे साथ ये जो केतन मेहता जी और माया की टीम है जो ये सारा एनिमेशन बनाती है मुंबई के अंदर तो वो बहुत अच्छे उनके पास डायरेक्टर्स भी हैं राइटर्स भी हैं उनकी पूरी टीम भी है जो इनमें इनपुट डालते हैं हमारी इस कहानियों के अंदर तो सब ये असल में टीम वर्क में कोई ना कोई अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं जो आपको पसंद आती हैं तो उन सबको भी थैंक यू क्योंकि उनकी चीजें आपको पसंद थैंक यू आई लव यू जी चीकू यस आप अपना म्यूट कर लीजिए जो नेक्स्ट हमारी आ रही है वो है जानवी एंड हर्षिता और वो हमारे साथ जुड़ी है इंडिया से पुणे आई बिलीव तो हर्षिता प्लीज आप अपना कैमरा ओपन करिए वो और वो हमारे साथ शुरू से शो में जुड़ी रही थी यस सो हाय जानवी हाउ आर यू अच्छा हमारी स्क्रीन शेयर हो गई है तो हम बट बाद में चलाएंगे पहले हम जानवी की तरफ जाते हैं जी जानवी आप प्लीज अनम्यूट करिए और अपना सवाल पूछिए डॉक्टर हरविंदर जी से हेलो सर नमस्कार जानवी जी कैसी हैं आप एकदम ठीक सर आप कैसे हैं सर मुझे मोटू पतलू काफी पसंद है सर मुझे ये पूछना था कि आपके दिमाग में ऐसा क्या है जो आपने सोचा कि मोटू पतलू शो बनाना चाहिए नहीं दरअसल मैंने शुरू में भी बताया था जानवी कि जब हिंदुस्तान के अंदर बाहर के सिर्फ करेक्टर्स आते थे आपके डोरेमोन और ये या वो ज़्यादा चलते थे हिंदुस्तान के अपने ओरिजिनल देसी करेक्टर्स का कोई एनिमेशन नहीं आता था तो जब हमने इस पे थॉट पे काम किया तो मोटू पतलू को कि के अंदर 40 साल से छपते आ रहे हैं
तो ये एक ही बार में क्लिक कर गया, निकलोडियन जी को भी, केतन मेहता जी को भी जो इसके प्रोड्यूसर हैं, तो वो चीज कई बारी कर जाती है वो चीज, क्योंकि इसको सबने देखा हुआ था, तीन पीढ़ियों ने देखा, आपकी दादा दादी ने भी देखा होगा, आपके माँ पापा ने भी देखा होगा और आप भी देख रहे हैं, और दुआ करेंगे कि आने वाली जो और आगे जो जनरेशन है वो भी देखते रहे। तो वो इस वजह से ये करेक्टर क्लिक किया, शेख चीज इसलिए किया क्योंकि इंडियन करेक्टर्स हैं अभी, और बहुत मिनी आ रहा है हमारा छोटा, बहुत बढ़िया गर्ल पावर्स के ऊपर, पांच लड़कियों का एक समूह है जो छोटी बच्चियां हैं जो पूरी पावर से टक्कर लेती हैं, वो नया शुरू होगा, इस तरह बहुत अच्छे अच्छे हैं। और आप पुणे से हैं? पुणे से हैं जी सर। मैं पुणे में, मैंने बहुत शोज किए हैं आपके पुणे के अंदर, वो आपके जो क्या नाम है ओशो आश्रम के आसपास जो होटल्स हैं बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे, उधर भी हमने काफी शूट किया हुआ है, बहुत खूबसूरत शहर है पुणे, और उसके आप जैसे अच्छी बच्चे हैं जो पुणे का नाम रोशन करते हैं जी। थैंक यू जानवी। और हम नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो हम सीधे इंडिया से, हम एक लंबी फ्लाइट लेनी है मुझे, और मैं जाती हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही प्यारे क्यूट से दिस लिटिल बॉय रुद्र गौतम। हाय रुद्र। हेलो रुद्र, कहाँ हो भाई? मैं हाथ हाथ हिला दो, बहुत सारे बंदे दिखते नहीं मुझे, कौन ही बोल रहा है? आप कहाँ से हो? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे हो बेटा? सिडनी में। सिडनी में, क्या बात है। सिडनी में, मैंने पूरे एक महीना रहा हूँ सिडनी में आपके, हमने आईफा अवार्ड्स का वो पूरा शोज किया था वहाँ पे, अगर आपको आपके फैमिलीज को पता होगा। तो मैं सिडनी बहुत खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर जी। बोलिए। और सर रुद्र, आपको पता, मैं रुद्र के बारे में कहना चाहती हूँ, ये बहुत अपना एक यूट्यूब ब्लॉग चलाते हैं, तो रुद्र आप प्लीज हमें इसके बारे में बताइए और अपना यूट्यूब चैनल का नाम भी शेयर करिए हमारे ऑडियंस के साथ। बिफोर दैट आई आल्सो स्पीक इंग्लिश। हां सो सो या सो प्लीज। सो द नेम ऑफ द चैनल इज आरवीज वंडरलैंड। वाओ। एंड आई आल्सो डू द चैनल विद माय सिस्टर, her name is Vedika. Yeah, Vedika. Yes. Good, good. So is she small with you? I love her a lot. Mera bhi ek channel hai chota sa, Popcorn Flix. And do you have any question to ask from Dr. Harvinder? Do you want to ask any question, Rudra? Yes, before I ask a question, I want to tell a fact. My father's birthday is also on the same day when Dr. Name? Harvinder Ji's birthday is also when my dad's birthday is there, April 27th. Wow, wow. Unka naam kya hai, beta? Sujit Gautam. Sujit Ji, aapko advance mein happy birthday. इस बार आप मुझे अपनी फोटो भेजिएगा, मैं अपने बर्थडे पे उसको भी अपनी फेसबुक पे शेयर करूं। ठीक है। ओके सो रुद्र, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? यस। बोलो, पूछो बेटा पूछो। आई वांट टू टेल व्हाई डज मोटू एंड पतलू डू नॉट चेंज ड्रेस इन एवरी एपिसोड, दे ऑलवेज वेयर द सेम ड्रेस। बेटा वो अभी ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो आपसे आप ही को बोलूंगा, लेके दीजिएगा उनको अभी अलग अलग। क्या होता है मोस्टली, क्या होता है जब कोई करेक्टर होता है तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, पहचान बन जाती है वो करेक्टर। हम उसको अगर कपड़े बदल देते हैं तो कई बार वो करेक्टर पहचान में नहीं आता। जैसे सुपरमैन है, सुपरमैन हमेशा एक ड्रेस में ही आपको दिखता है, या बैटमैन है, तो वो उसकी एक आइडेंटिटी बनती है, वो एक कॉमिक्स का एक ट्रेंड है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके दूर से कि कौन आ रहा। तो बस जस्ट एक टेक्निकली प्रॉब्लम है, वरना कपड़ों की तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है सिडनी से आप काफी लेके दे सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू रुद्र, होप सो यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट हमारे साथ बनी हुई है सिद्धि जो भारीन से है। सो हाय सिद्धि, वेलकम टू शैला खान शो। सो यस, सो व्हाट्स योर क्वेश्चन अंकल? तब यस तब मोटू समोसा खाता है तो फिर उसके पास पावर और आइडियाज आते हैं। रियलिटी में तब मैं खाती समोसा तो फिर मेरे में पावर नहीं आता है और आइडियाज भी नहीं आता है। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है। क्या नाम है बेटा आपका? सिद्धि।
देखिए आपका नाम का मतलब क्या है मालूम है आपको? आपके नाम का मीन है कोई भी जो काम है वो पूरा हो जाना, फिनिश हो जाना, सिद्ध हो जाना। और मोटू अगर खाता है और आपको भी उतनी ही ताकत आएगी, आपको भी उतनी पावर आएगी, लेकिन सबसे बड़े जरूरी क्या है ना कि आप इसलिए खा रहे हो चूंकि वो खाता है। जब भी हम किसी की कॉपी, किसी की नकल या किसी के को खाते देख के खाना शुरू करते हैं तो वो हमें नहीं लगता है। आप अपनी पसंद की चीज़ खाइए, पनीर खाइए, अच्छी अच्छी और टॉनिक क्या होते हैं फ्रूट्स खाइए, तो देखिए आपके अंदर ताकत भी आएगी। वो जरूरी नहीं है समोसा खाने से आए, वो उसको आती है क्योंकि उसका फेवरेट है। आपका जो फेवरेट चीज़ है वो खाइए, फिर देखिए आपके घर वाले तंग आ जाएंगे, कभी सोफा तोड़ रही है, कभी पीछे की वो जो आपके वो दिख रहा है मुझे कुर्सी तोड़ दी, कभी आप वो तस्वीर गिरा देंगे, फिर सिद्धि विनायक हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। जी और कोई सवाल बेटा? ओके यस, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो बहुत ही खूबसूरत वीडियो जो उन्होंने हमें बना के भेजी थी नयन की तरफ। तो हे नयन, तो मैं इससे पहले अब स्क्रीन शेयर हो गई तो मैं ये वीडियो जरा शेयर करती हूँ सबके साथ जो हमारे ऑडियंस बने हुए हैं। तो ये इन्होंने स्पेशली आपके लिए बनाई है डॉक्टर हरविंदर जी, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखें और इंजॉय करें। तो एक सेकेंड, तो आपके थैंक यू सो मच फॉर दैट एफर्ट नयन एंड निवेद्या। तो आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को और ये बताइए कि आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और जो नया सवाल जो आपके मन में है वो आप पूछ सकते हैं, तो अनम्यूट करिए आप। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक्चुअली क्वेश्चन मोटू पतलू ऐसा शो है जिसको देखने के लिए कभी भी मम्मी पापा ये नहीं बोलते कि मत देखो, तो मुझे अलाउ करते हैं। थैंक यू फॉर दिस नाइस शो। ये शो बहुत अच्छा है, ये दो अच्छे दोस्तों की दोस्तों का है और बहुत अच्छा शो है। तो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि वो पहले उसका कॉमिक पढ़ा करते थे, तो वो कॉमिक्स भी मुझे देखने हैं, तो कॉमिक्स कैसे देख सकते हैं? मेरे पास कॉमिक्स बहुत सारे हैं बच्चे, जब मैं कभी बहरीन आऊंगा तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू। तो ये तो बड़े मजे की बात है, मेरे लिए भी लेकर आइएगा प्लीज, बिकॉज़ आई लव कॉमिक्स। अभी मैं छत पे बैठ के वैसे अपने ऑफिस में होता आपको दिखा भी देता, बहुत ढेर लगा मेरे पास, जितने मर्जी मांगो कोई टेंशन नहीं। जी जी चलिए, तो नेक्स्ट जो सवाल है वो हमारा है, इस वेदिका इज अवेलेबल, नो आई बिलीव वेदिका जी शायद चली गई है हमारे यहाँ से। तो हर्षिता है जो पुणे से हमारे साथ जुड़ी हुई है, सो हर्षिता आर यू देयर? आप हैं हमारे साथ? आई बिलीव वो भी शायद कुछ शायद टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। हर्षिता अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज ज्वाइन बैक, और हमारे आपका सवाल मुझे पता है आपका बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहती हैं, तो आप पूछिएगा जरूर। और एक मेरे साथ जुड़ी हुई है मेरी अपनी खुद की बेटी, आप प्लीज इकरा मेरे पास आइए, और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो खुद ही बताएंगी इकरा खान, तो प्लीज आप पूछिए। हाँ जी। हाय हाय इकरा, जब मैं व्हेन आई वाज इन इंडिया, जब मैं इंडिया में थी तो आई हैड नथिंग टू डू, और निकेलोडियन पे एक ही शो आता था मोटू पतलू होता था, तो आई वाज प्रीटी एडिक्टेड टू द लैंग, आई वाज प्रीटी एडिक्टेड टू दैट शो, इट वाज वेरी फन, इट वाज वेरी एंटरटेनिंग, इट वाज वेरी फन एंड आई एंजॉयड द शो अ लॉट, इट हैड मेनी न्यू स्टोरीज एंड इट वाज अ फ्रेंड स्टोरी दैट वाज वेरी लॉयल, आई रियली एंजॉय द शो एंड इट वाज अमेजिंग। सो आई ओनली हैड वन क्वेश्चन, व्हेन डिड यू गेट दिस आइडिया, वाज इट रिलेटेड टू योर ओन लाइफ और हैव यू एवर ड्रीम्ड अबाउट इट? नहीं, ऐसे अपनी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल क्या होता है कि घटनाएं कहानियां अपने आसपास से ही बनती हैं, आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा
ह्यूमर, हर तरफ ह्यूमर है, आपको सिर्फ कैप्चर करने है और आपको परख होनी चाहिए कि कहाँ से आप मुस्कुरा सकते हैं। जब आप इतनी छोटी हैं, जब आप बाहर निकलती है ना, अगर आपका मन खुश होता है तो आपके आगे फ्लैट भी मुस्कुराते दिखते हैं, फ्लावर्स भी मुस्कुराते दिखते हैं, और आपको लगता है जैसे पूरी कायनात, पूरा जो क्रिएशन है वो आपको देख के स्माइल कर रही है। सो ये मन की बातें हैं, अपने खुश रहिए, ये सब अंदर से आते हैं और आपको अच्छे लगते हैं, इसका मतलब वो दिल से निकले हुए आइडियाज होते हैं। एक कलम से निकलते हैं, एक दिल से निकलते हैं, जो दिल से निकले वो आप तक पहुंचे हैं। सो ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे अच्छे बच्चे इसको देखते हैं, और अगली बार इंडिया आएंगे तो प्लीज मेरे घर जरूर आइएगा, मैं स्पेशल आपको मोटू के हाथ से कुछ बनवा के खिलवाऊंगा, समोसे खास। That is इतना अच्छा ऑफर है ये। I hope I come to India and I want to visit your house. I want to. ये होता क्या होता है, मम्मी को बोलो अभी पैसे खर्चे, टिकट ले तो आए, ये कंजूस मत है, आपके पैसे नहीं खर्चने, अभी आइए आप। सर जी क्या बात कर रहे हैं, अभी खेलने में बहुत लगा कर आए हैं, तो थोड़ा सा जरा एक दो महीने और हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं रुद्र। तो रुद्र आपकी सिस्टर है वेदिका आसपास, बिकॉज आई बिलीव शी इवन शी हैड अ क्वेश्चन इन हर माइंड। Let me see, I is not here right now. Can I bring her? Yeah, please. Okay, in the meantime, I will just share the video. Once again, I've got some more videos to enjoy. There are some more videos from some kids and I will ask my creative team. Yes, they have shared it. So please, Dr. Arvinder ji, aap enjoy kareen. I love Motu Patlu. Main har sham 5:30 wait karti hu ki Motu kab aaye aur mere dimag ki batti jalaye. Super cute. And ये एक और है, मोटू की फेवरेट लाइन है, पतलू मेरी दिमाग की बत्ती नहीं जल रही, तुम्हें कुछ करो। और ये बहुत ही क्यूट सी, छोटी सी, एडोरेबल सी, हैप्पी मोटू पतलू इज कमिंग, यप्पी, आई लव इट। और ये अलग अलग जगहों से वीडियोस बनी हैं, अलग अलग जी बिल्कुल, कोई ओमान से, कोई बहरीन से, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। और एक और रहे जो हमारे देखना सवाल पूछना चाहते हैं, वंश ओमान से। तो वंश प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो, मेरा नाम वंश है और मुझे आपसे कुछ पूछना पूछिए। और हाँ पूछिए, जो बॉक्सर है वो हमेशा उसको क्यों मारता मोटू पतलू को? तो क्या चाहते हो, किसको मारे आप बता दीजिए। चलिए किंगम को मार दीजिए। किसको मारे? किंगम को। चलो अगली बार चिंगम को मरवा देंगे, बस। और बोलिए, वो कुछ नहीं बेटा, एक क्या होता है ना, देखो आप लोग छोड़ के भी हैं मोटू पतलू देखता और दांत भी खाता। किसकी मम्मी? किसकी डांट खाते हो? मम्मी की। हाँ तो मम्मी कहाँ है आपकी, बुलाओ जरा उनको, मैं बोलता हूँ वो नहीं डांटेंगी आपको। मम्मी जी इनको मत डांटिए, इतने प्यारे बच्चे हैं, इनको देखने दीजिए। और ये देखिए अगले आगे चल के इन्होंने आपका नाम रोशन करना, हो सकता है ये खुद किसी ऐसे अच्छे से क्रिएटर बन जाए, किसी करेक्टर के, किसी कॉमिक्स के आर्टिस्ट बन जाए, कोई पेंटर बन जाए, हो सकता है इंजीनियर बन जाए। तो जो भी ये बनना चाहे इन्हें बनने दीजिए। जी मैंने आपकी सिफारिश कर दी, खुश। और वो भी टेक न्यूज चैनल पर, आप ये देखिए भाई, और डॉक्टर हरविंदर मंगतकर जी ने ये बात कही है भाई, यांशी शायला मैम, और ये तो पढ़ाई छोड़ के भी मोटू पतलू देखते हैं, सिर्फ खाते हैं। तो इनकी मामा जो है मीनल जी ये कह रही हैं। तो मीनल प्लीज आप क्या कह रही हैं, आप बताइए, अब बात कर सकती हैं आप? हाँ, ये तो पढ़ाई छोड़ के भी मोटू पतलू देखते हैं, ये पढ़ाई छोड़ के भी मोटू पतलू देखते हैं, इतने बड़े फैन है मोटू पतलू के। और मुझे ये भी बोलना है, आप देख मैम अपना कैमरे के, आप दिख नहीं रही ना मेरे को, दिखें जरा आप प्लीज, आप सामने आए अगर आप बैठे प्लीज, बेटा मम्मी की तरफ कैमरा करो ना, दिखे कौन बोल रहे हैं। ये मोटू पतलू तो पढ़ाई छोड़ के भी देखते हैं, इसीलिए डांट खाते हैं। नहीं नहीं पढ़ाई छोड़ के नहीं देखना, देखो हर चीज को चैनलाइज करना चाहिए, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई, टीवी के वक्त सिर्फ टीवी, खाने के समय सिर्फ खाना। अगर आप ऐसी लाइफ को करेंगे तो बहुत बड़े आदमी बनेंगे। अगर आप एक दूसरे का काम दूसरे वक्त के अंदर मिक्स करेंगे तो फिर नुकसान ही होता है। तो मम्मी ठीक कहती हैं, जब आपका टीवी का टाइम है आप मोटू पतलू देखिए, जब पढ़ाई का टाइम है सिर्फ 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर। जी जी
जी चलिए, थैंक यू सो मच यंश एंड मंच एंड मीनल, लव यू लोड्स। अब हम बढ़ते हैं दोबारा से पुणे की तरफ और हमारे साथ वापस आ गई है, इससे पहले मैं हर्षिता को बुलाऊं। विभा जी कह रही है कि उन्होंने लिखा है कि कॉमिक बुक्स के जमाने में सारे सवाल हमारे दिल में आते थे जो आज हमारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, तो ये बात और इस बात से मैं भी कहीं ना कहीं यकीन रखती हूँ कि जी हाँ ये सवाल हमारे मन में भी होते थे और आज ये मौका मिला है हमें कि हमारे सारे सवालों का जवाब हमारे बच्चों के जरिए से ही कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो जी हाँ, तो हर्षिता आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं और ये पुणे से हैं और हर्षिता प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, हेलो मैम। हेलो हर्षिता, हाउ आर यू? गुड सर, हाउ आर यू? I am better than you. हाँ, जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है कि हमेशा मैं मोटू पतलू देखती हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मोटू पतलू जब रेस जीतते हैं तो उनके पास द गोल्डन कार होती है या सिल्वर कार होती है, मुझे इसका आंसर चाहिए। नहीं समझा इसका मतलब, उनके पास कौन सी कार होती है जब रेस जीतते हैं? यस, मैं आपको फिर से बताती हूँ, मोटू पतलू एंटर द रेस टू विन द गोल्डन कार और द सिल्वर कार। आपको क्या लगता है, आप बताइए? अभी बहुत सारे एपिसोड होते हैं, मेरे को भी याद नहीं आता कि किसमें क्या जीता है। सिल्वर कार जीते हैं? हाँ। देखा, तो मिस से ज्यादा तो आप जानती हैं। तो मैं अगली बार बोलूंगा उनको ऊपर लिखा जाए कि हर्षिता का नाम दिया जाए राइटर की लाइन के अंदर। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा इनको मिल गया है हर्षिता, सो ग्लैड, इजंट इट? और सिद्धि हमारे साथ थी, सिद्धि डू यू वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन बैक अगेन? और शायरा मैम, या प्लीज हर्षिता। मैम मैंने आपको वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड करा है, एक बार चेक कर। I know, but my darling, I'm so sorry. It's too late because I have to download it और वो मेरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करनी पड़ती है. But yes, I will share on my Facebook page and I will send personally to Dr. Harvinder ji as well and make sure कि वो उसको देख लेंगे और मैं उनसे कोशिश करूँगी कि अगर वो मुझे voice message आपके लिए send कर दें. But मैं promise नहीं कर सकती हूँ. मैं yes, जो मेरे क्या नाम है शैला जी, जो मेरे को फेसबुक पे इनबॉक्स में वीडियो भेजेगा मैं उसको अपना वीडियो में आंसर देके भेजूंगा। चलिए प्रॉमिस सबसे। उनके नाम से, उनके प्रॉपर उनका नाम ले। क्या बात है, तो आप जितने भी हमारे ऑडियंस में भी इवन जो बच्चे हमें देख रहे हैं प्लीज आप अपने अपनी पर्सनल वीडियो सेंड कर सकते हैं। मैं एंड में डॉक्टर हरविंदर जी के जो सोशल मीडियाज हैं उनके नेम हम लोग शेयर करेंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उनको अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं और वो आपको पर्सनली अपना एक एक वीडियो मैसेज शेयर करेंगे। मुझे लगता है इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है, तो बहुत शुक्रिया। और जो भी बच्चे हमारे साथ आज बने रहे, इतना टाइम सबने दिया हमारे लिए, तो जाने से पहले हरविंदर जी आप कुछ ऐसी कोई बात आप कुछ कहना चाहेंगे और मतलब कोई इंस्पायरिंग या कुछ भी? और रुद्र इस वीडियो I have only less channels, but I can send all of them. Oh, sure, please do. Rudra, मेरी बात रुद्र बड़े ध्यान से सुनो, जिस उम्र के अंदर, जिस एज ग्रुप के अंदर आप ये चैनल चला रहे हो, एक दिन यकीन मानिए 50 लाख से ऊपर आपके सब्सक्राइबर होंगे और मैं खुद सब्सक्राइब करूंगा आज ही आपको, मुझे आप लिंक भेजेंगे और पूरी दुनिया आपको देखेगी, ऑल द बेस्ट। और वहां तक, लेकिन अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अपने बड़ों की हमेशा उनका कहना मानिए क्योंकि वो आपके लिए हमेशा अच्छी चीज करते हैं, कभी खराब नहीं करते हैं। तो बड़ों की जो रिस्पेक्ट करोगे तो क्योंकि शैला जी आजकल बच्चों को सब कुछ मिलता है, नहीं मिलता तो बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलता, दुआएं नहीं मिलती, क्योंकि बच्चे पैरों को हाथ लगाते नहीं, झुकते नहीं,
विनम्रता नहीं लाते, तो बच्चों अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो उन्होंने इतने साल सब कुछ देखा होता है। जहां आप पहुंचोगे ना, आपको जब मालूम पड़ेगा तब तक वक्त निकल चुका होता है। अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, सबकी रिस्पेक्ट करो। जितना प्यार दोगे उसका 20-100 गुना प्यार आपको वापस मिलेगा। ऑल द बेस्ट। क्या बात है रुद्र, आपको तो सब्सक्राइबर मिल गए डॉक्टर हरविंदर मनकरकर जी। मुझे भी आप, ये तो कोई बात नहीं, आपको मुझे भी सब्सक्राइब करना है भैया। आपने आप सबको कह रहे हैं, हम सबके लिंक भेजेंगे जो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। 100% प्रॉमिस। आपके साथ थोड़ा बहुत हमें भी प्लीज आप, हम वो करते आपसे गुजारिश करते, हमें भी थोड़ा बहुत दे दीजिए। टेन चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे अरेंज करने आसान नहीं है जो इतनी मेहनत आप करती हैं शैला जी। और आपके लिए मैं एक शेर लास्ट में अगर आप सुनना चाहें तो आपके ऊपर सुना देता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, बल्कि आप कहिए, पहले आप बताइए फिर मैं बताती हूँ आपके लिए किसी ने कुछ लिखा है। खुदा बनाता है ऐसा शबाब बरसों में, खुदा बनाता है ऐसा शबाब बरसों में, ये बात होती है पैदा जनाब बरसों में। ये नहीं कि आप सा हसी नहीं होगा, यहाँ नहीं तो जमाने में और कहीं होगा, मगर मिलेगा तुम सा जवाब बरसों में, खुदा बनाता जी। बहुत शुक्रिया, मुझे तो लग रहा है कि मेरी तो नींद ही उड़ गई है। मतलब आप आपके मुंह से ये सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम रियली ग्लैड, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई एम स्पीचलेस। और जो हमारे साथ जो बने हैं ऑडियंस, वो कह रहे हैं कि रुबीना कासवानी जी कह रही है कि शो बहुत अच्छा जा रहा है, वेरी नाइस। आइन तोई जी कह रही है कि थैंक्स शैला जी, इट्स अ वेरी नाइस शो। वो कह रही है कि बिल्कुल सही बात। विभा जी कह रही है, जिनके जिनके बच्चों ने वीडियो बनाई थी, नयन और नवेद्या जी के जो मदर है, कि ग्रेट टू सी किड्स और लव टू हैव दैट किड्स आर इंटरेक्टिंग। वैशाली हमारे साथ बनी रही, उन्होंने बोला नाइस शो शैला। विभा जी ने बोला है कि बहुत ही शो बहुत अच्छा जा रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और आपके फैन है, जब मैंने उनको आपके बारे में बताया तो वो बेहद खुश हुए, तो उन्होंने बोला है कि मेरी तरफ से मैसेज पास ऑन करें। शैस खान जी जो मेरे हस्बैंड है, तो उन्होंने आपके लिए किया कि भाई तुम अभी ये शेयर करो। अक्सर वो लिखते हैं बट आज शायद वो लिख नहीं पाए, तो उन्होंने ये भेजा है, बट किसी और का लिखा हुआ है ये। खुद ही को कर बुलंद, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। चलिए इसके तो, इसी शेर के को मैंने अपने ढंग से लिखा है। अच्छा, ये सब बच्चों के लिए मैसेज भी है कि बुलंद कर अपनी हस्ती को उस हालात के लिए कि खुदा खुद तरसे तुझसे मुलाकात। क्या बात है अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ। लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहता हूं जो आप पूछ रहे थे बीच में, कि बच्चों जो बच्चे सुन रहे हैं या उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, कि जिंदगी के अंदर हमेशा ओरिजिनल रहो। हम नॉर्मल क्या करते हैं, कोई शाहरुख खान बनना चाहता है, कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, कोई कैटरीना कैफ बनना चाहती है। हमें किसी की कॉपी नहीं बनना, क्योंकि कीमत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होती है, फोटोस्टेट या कॉपी की कोई कीमत नहीं होती, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के यूज होती है। आपका जो आप अगर रुद्र हैं तो आप रुद्र बनिए, आप अगर नयन हैं तो आप नयन बनिए, आप अगर वैशाली हैं तो आप वैशाली बनिए, आप अगर शैला हैं तो आप शैला बनिए, क्योंकि कुदरत ने आपको बहुत बेहतरीन बनाया है, हर गुण से नवाजा है। तो खुद अपनी पहचान बनाइए, किसी से इंस्पायर हो सकते हो, आप किसी की कार्बन कॉपी बनोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। खुद बनना सीखिए, और उससे बेहतर बनने के लिए आपको उसको हटाना नहीं है, आपको उससे बेहतर डबल मेहनत करनी है। मेहनत एकमात्र, हार्ड वर्क एकमात्र तरीका है जिंदगी में सक्सेस का। बस जो आज की कौम थोड़ा लेजी हो जाती है, क्योंकि रात को 2 बजे सोती है, सुबह 11 बजे उठती है, तो ये जो सिस्टम बिगड़ा है इससे आपकी सेहत बिगड़ती है। और ये आज आपको मालूम नहीं पड़ेगा बच्चों, जब आप 40 के पार जाएंगे तो ये 36 बीमारियां जब पकड़ती हैं, क्योंकि जो बचपन में आपने लेजीनेस दिखाई होती है। अभी से संभल जाओ,
तो आप जैसे सुपरस्टार कोई हो ही नहीं सकता जी। बहुत बहुत खूबसूरत बात, और मैं ये इस बात से सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि आप जैसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज हैं जो इतना अच्छा मैसेज आपने जो हमारे बच्चों के लिए आज आपने पास ऑन किया है। मैं खुद 3 बच्चे हैं मेरे, मैं खुद एज अ मदर मैं इस चीज से रिलेट कर सकती हूँ कि वाकई में कि सुबह जल्दी उठना है और कहीं ना कहीं किसी को कॉपी, आजकल इतना जमाना इतना सोशल मीडिया का हो गया है कि लोग अक्सर जल्दी फेम पाने के लिए किसी ना किसी को कॉपी भी करना चाहते हैं, तो वो बात आपकी बिल्कुल सही बात है कि ओरिजिनलिटी की बहुत सख्त जरूरत है। और मुझे लगता है कि अपने आप से प्यार सबसे जरूरी जो चीज है वो है अपने आप से आप प्यार करें बस। और एक और छोटी सी बात है शैला, आपकी इस बात से मुझे समझ आई कि बच्चों को हारना भी आना चाहिए जी। जो अगर हमने उनको इतना वो अग्रेसिव बना दिया है कि वो हार बर्दाश्त नहीं करते, फिर वो क्या होता है, आपने वो एक सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, वो सफल नहीं होते, फिर सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं या नेगेटिव थॉट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। नहीं, डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, डिप्रेशन कोई बीमारी ही नहीं है। डिप्रेस वो आदमी होता है जो नकारा होता है। आप तो काबिल हो, अपने आप को इतना काबिल रखो, अपने आप को इतना हिम्मत वाला रखो और बस अपने काम की तरफ फोकस रखो। फोकस क्लियर होना चाहिए आपका बस जो है, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। माना जिंदगी में प्यार जरूरी है, माना हार श्रृंगार जरूरी है, मगर एक बड़ी जीत से पहले मेरे दोस्तों एक छोटी सी हार जरूरी है जो हमको हमारी हैसियत बताती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और थॉमस पॉल हमारे साथ जुड़े, उन्होंने लिखा कि यस, बिना हार के हम जीत नहीं सकते, जो खुद बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हमारे शो में भी आ चुके हैं, इज अ साइंटिस्ट एंड विभाजी हैं, रुबीना कासमनी जी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंद्र जी आपका इतना समय देने के लिए, हमारे शो में आने के लिए, बच्चों से इंट्रैक्शन करने के लिए, और आप उनको पर्सनल वीडियोज मुझे श्योर है आप जरूर भेजेंगे, तो मुझे लग रहा है जो मेरे को इनबॉक्स में आएगा मैं उसका जवाब जरूर। तो मुझे लग रहा है कि बच्चे जो है अभी से एक्साइटमेंट और वो जल्दी जल्दी से अपनी वीडियोस बनाने में लगे हैं। तो इसी के साथ आप प्लीज अपना फेसबुक प्रोफाइल और अपना इंस्टाग्राम, जो भी आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब, जो भी आपको बताने हैं, तो प्लीज आप बता दीजिए ताकि हमारे नहीं, मैं फेसबुक पे हूँ, डॉक्टर हरविंदर वांकड़ के नाम से हूँ, और मेरा जो चैनल है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, पॉपकॉर्न फ्लिक्स बाई हरविंदर वांकड़। दरअसल ये इस चैनल के साथ जो लोग जुड़े हैं, ये चैनल का मकसद मैं सिर्फ आपको बता दूं ये इसके साथ सभी बॉलीवुड की हस्तियां जुड़ी हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, बड़े बड़े बच्चन साहब, महेश्वर साहब, ये लोग जो बड़े स्तर के हैं, ये प्लेटफॉर्म है कि अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम उसका आपका वीडियो वहां में फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते, ताकि आप सीधे उनकी नज़रों में चले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। वरना यूट्यूब तो बहुत बड़ा समंदर है, कौन किसका देखता है, तो बस वही है, उसको सब्सक्राइब करिए, पॉपकॉर्न फ्लिक्स बाई हरविंदर मंकड़, और आगे बढ़िए, आपको हर सफलता। नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आज तो आपका जो है फेसबुक और यूट्यूब सब बुकमार्क होने वाला है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आने वाली हैं और बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज आप इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर हरविंदर मंकड़ जी को सुन सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके मन में जो सवाल है वो सवालों का जवाब उनको मिल सके। तो फिर से एक बार मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप आए हमारे शो में, आपके बच्चों को खूबसूरत बातें करी, और दिल्ली की सर्दी भी है और उस धूप का भी आप मजा ले रहे हैं, जो आपने हमें थोड़ा सा जलन दे दी कि क्या बात है, धूप में आप आराम से शो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और चलिए, तो बहुत अच्छा रहा शो, बहुत मजेदार रहा, आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी उतना ही मजा आया होगा। चलिए, तो बहुत जी, सभी का शुक्रिया, आपके टीम का शुक्रिया, टीवी जो भी लोग इसके साथ टेक्निकल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी इसमें सपोर्ट किया, वीडियोस चलाए, उस सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे बुलाते रहिए, मैं 24 आवर्स आपके लिए उपलब्ध हूँ, बच्चों के लिए तो जान हाजिर है, ये चीज क्या, आप कभी भी बुलाए मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए आपको, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं आप प्लीज उनको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत है तो मैंने टैग किया है, आप मेरे पेज पर जाके भी उनको फॉलो कर सकते हैं या रिक्वेस्ट जो भी आप मैसेज कर सकते हैं। और तो चलिए, अब अगले हफ्ते हम मिलेंगे दोबारा से नए गेस्ट के साथ और नई बातों के साथ, बट ध्यान रखें कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, सैनिटाइजर की बॉटल अपने साथ रखिए, हाथ धो के रखिए,
मास्क पहन के रखिए, बहुत जरूरी है। और इसके साथ चलिए चलते हैं और अपना, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे 10 न्यूज पर। टिल देन लव यू लॉट्स एंड टेक केयर, गुड बाय।